भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। बात करें अगर मुकाबले की तो अब तक एक मुकाबला खेला जा चुका है, जब भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को 68 रनों से मात दी और टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। आपको बता दें कि अब भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा मुकाबला 1 अगस्त को खेला जाएगा। बात करें अगर भारत और वेस्ट इंडीज के दौरे की तो 3 मैचों की वनडे सीरीज हाल ही में खेली गई, जहां भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में जाकर पहली बार क्लीन स्वीप किया और टीम ने क्लीन स्वीप करके वेस्ट इंडीज में जाकर इतिहास रच दिया। बहरहाल बात करें अगर T20 सीरीज की तो दूसरा मुकाबला 1 अगस्त को खेला जाएगा और इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत की लय को बरकरार रखने उतरेगी तो वेस्ट इंडीज की टीम को पहली जीत की तलाश होगी। मुकाबले की बात करें तो मुकाबला वार्नर पार्क में खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। बात करें अगर पिच की, ग्राउंड की, तो यह मुकाबला वार्नर पार्क में खेला जाएगा, जहां बल्लेबाजी बेहतर देखने को मिलती है। इसके अलावा नई गेंद के साथ गेंदबाजों को भी मदद मिलती है और गेंदबाज भी विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी के लिए पिच बेहतर है और यहां हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। नई गेंद से अगर गेंदबाज शुरुआत में विकेट निकालने में कामयाब होते हैं तो गेंदबाज इस मुकाबले में हावी बनते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा दोनों कप्तान चाहेंगे कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का ही निर्णय किया जाए। वहीं बात करें अगर संभावित प्लेइंग 11 की तो वेस्ट इंडीज की टीम में ब्रेंडन किंग, काइल मायर्स, शिमरॉन हेटमायर, ओडियन स्मिथ, निकोलस पुरन कप्तान, साथ ही रोमन पोवेल, अकील हुसैन, रोमारियो शेफर्ड, अल्जारी जोसेफ, ओबे मोकोए और हेडन वॉल्श शामिल हो सकते हैं। वहीं बात करें अगर भारतीय प्लेइंग 11 की तो रोहित शर्मा कप्तान, सूर्य कुमार यादव, इसके अलावा श्रेयस अय्यर की जगह दीपक हुडा को मौका दिया जा सकता है। वहीं ऋषभ पंत विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, रवि अश्विन और अर्शदीप सिंह शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर उन खिलाड़ियों की जिन पर सभी की नजरें रहने वाली हैं तो वेस्ट इंडीज की तरफ से ब्रेंडन किंग पर सभी की नजरें होंगी। इसके अलावा शिमरॉन हेटमायर टीम के लिए बड़े हिट लगा सकते हैं, उन पर भी सभी की नजरें होंगी। वहीं बात करें अगर कप्तान निकोलस पुरन की तो पिछले मैच में उन्होंने शानदार पारी खेली तो ऐसे में उनसे भी टीम को काफी उम्मीद होगी। वहीं गेंदबाजी में अल्जारी जोसेफ और ओबे मोकोए पर सभी की नजरें होंगी। भारत की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने पिछले मैच में अर्धशतक जड़ा, उन पर भी सभी की नजरें होंगी। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और टीम के लिए लोअर मिडल ऑर्डर में कमाल करने वाले दिनेश कार्तिक, साथ ही गेंदबाजी में रवि अश्विन और जडेजा की जोड़ी और तेज गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह पर सभी की नजरें होंगी। क्या कुछ आपकी राय है इस मुकाबले को लेकर, साथ ही आप कितना एक्साइटेड हैं और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं भारतीय प्लेइंग 11 को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए बन इंडिया। नमस्कार।